मिश्रा जी, अभी हाल ही में आपने सुना होगा, ममता बनर्जी ने लगातार नरेंद्र मोदी से इस्तीफा भी मांग लिया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना तेजी से पूरे देश में प्रसार कर रहा है, सरकार को जिम्मेदार ठहरा है, क्योंकि वो पूरे देश में हालात को कंट्रोल नहीं कर पाए। पूरे देश में रैलियां हो रही हैं, जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शन है उस पर लगाम नहीं कसी, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाइयों की कमी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक सवाल और उठाया, वो ये है कि सभी स्टेट में केंद्र सरकार को चाहे कोविशील्ड का जो रेट फिक्स है उसी रेट पे मिलनी चाहिए और स्टेट को भी इसी उस पे मिलनी चाहिए। तो उनका ये कहना है कि कोलकाता में जो कोविशील्ड की वैक्सीन आ रही है कोलकाता वेस्ट बंगाल को, उसके ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं एज कंपेयर टू केंद्र सरकार को वो जो वैक्सीन मिल रही है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप कैसे देखते हैं कि वो लगातार दोष लगा रही है और वो इस्तीफा भी मांग रही है, खुद का चुनाव अभी चल ही रहा है। देखिए मैम, कोविड की जो महामारी है ये मानवता से संबंधित है। इसमें मैं बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी को नहीं देखूंगा। मैं ये बोलूंगा कि हजार हजार साल क्या, 17वीं शताब्दी से वैज्ञानिक या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, तो 300-400 साल तो हो गए। पूरी दुनिया में 300 साल वैज्ञानिक रिसर्च के बाद भी हम कितने बौने हैं यहाँ पे। और मैं सबको बोलूंगा भाई, सुरक्षित रहिए। सबके लिए कामना यही है कि किसी के साथ कोई नुकसान ना हो। अब आते हैं हम आपके मुद्दे के ऊपर। अगर कोविड के फैल्योर को, कोविड के बढ़ने को माना जाए, तो मैं वहां ये बोलूंगा कि केवल मोदी जी ही इस्तीफा नहीं दे, वहां कांग्रेस के भी जहां है टीएमसी की ममता बनर्जी भी इस्तीफा दे। कौन सा ममता बनर्जी ने बंगाल को फ्री फ्रॉम कोविड करके रखा है? मुख्यमंत्री तो वही है ना। गहलोत साहब ने कौन सा राजस्थान को फ्री करके रखा है? मुंबई। हाँ, कौन सा वहां पे उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई को बचा लिया है कोविड से? दिल्ली में कौन सा कोविड से बचा लिया? अगर इस चीज को पैरामीटर माना जाए कि कोविड को कोई आदमी मैनेज नहीं कर पाया, तो ये सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें बीजेपी सरकार भी इस्तीफा दे और सारी सरकारें इस्तीफा दे, फिर दूसरे लोगों को बनाया जाए, हमारे आप जैसे लोगों को बनाया जाए, हम बेटर मैनेज करेंगे। रही बात, अब मैं आपको बताता हूं कोविड में है क्या। अब देखिए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको एक योजना चलाई थी हेल्थ कार्ड का, टीएमसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया, पंजाब ने इंप्लीमेंट नहीं किया, बॉम्बे ने, महाराष्ट्र ने इंप्लीमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई इंप्लीमेंट? हाँ, जब कोविड के इंजेक्शन का जब कैंपेन चल रहा था कि भाई इंजेक्शन लगाओ, तब कुछ पार्टी के आला कमान लीडर्स बोल रहे थे हम तो इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। कुछ ऐसे धार्मिक लोग भी थे जो बोल रहे थे कि जी ये तो कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ तो धर्म में मना किया गया है, हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। तो अब क्यों लगवा रहे हैं? इसके लिए पब्लिक भी जिम्मेदार है। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ऐसे ऐसे जाहिल लोग पड़े हुए हैं। देखिए, वैसे तो होने को किसी किसी का दोष नहीं है, प्रिकॉशन लेते हुए भी पुलिस काम कर, डॉक्टर काम कर रहे हैं, नर्स उनके एरिया में जा रही है, वैन लेकर के डॉक्टर जा रहे हैं तो उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं और थूके जा रहे हैं। मैं सबकी बात करता हूँ, बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो इसमें कोई भी आदमी क्या कर लेगा? जब यहाँ पे सरकारें ही ठीक, महाराष्ट्र में 40 लाख के आसपास टीके एक्सपायर कर गए, जब आपको टीके दिए गए थे, इतना कीमती है। आज मारामारी मची हुई है कि नहीं मची हुई है, तो आपको उस वक्त समझ में नहीं आया? अब किसी के इस्तीफा ले लेने से और दे देने से कोई स्थिति सुधरने वाली है? अब तो ये है कि पब्लिक भी सेंसिटिव हो जाए और एक दूसरे को मदद करे जिससे जो हो सके, ऑनेस्ट हो जाए, कालाबाजारी ना हो। डॉक्टर्स को भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टियां भी राजनीतिक माइलेज को छोड़ के, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, इसको एक सामूहिक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। हाँ, इसको एक राष्ट्रीय आपदा मानना चाहिए, जहां पे सारे मतभेद को मिला के कि आप किस धर्म के हो, आप किस पार्टी से हो, आप अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए। अदरवाइज ये वायरस इतना घातक है, इतनी तेजी से फैलता है कि एक दिन का भी डिले हो जाने पर बहुत तेजी से ये फैल जाता है। एक एक मिनट हम लोगों के लिए जरूरी है। हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उसको वॉर लेवल पे अप्लाई करने की जरूरत है। आप किसी भी पार्टी, स्टेट गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे, सेंटर अपना रोल प्ले करे, गांव गांव में जो यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो अपना रोल प्ले करे। और एक अच्छा सिटीजन होने के नाते हम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इतना तो कर सकते हैं कि मास्क लगा के जाएं, ताकि ना हम संक्रमित हो। मैं बोलता हूं, आप दूसरों को संक्रमण फैलाने की बात छोड़ दीजिए, आप अपने आप को बचा लीजिए, ये सबसे बड़ी राष्ट्र की सेवा होगी। तो मैं बोलता हूं, आप दूसरों को संक्रमण फैलाने की बात छोड़ दीजिए, आप अपने आप को बचा लीजिए, ये सबसे बड़ी राष्ट्र की सेवा होगी। हर आदमी केवल अपने आप को संक्रमित होने से बचा ले, तो कोरोना अपने आप ऐसे ही गायब हो जाएगा।
अगर हम मास्क नहीं पहन रहे हैं, सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, स्पेशली जब हम सड़क पे जाते हैं या बाहर जाते हैं, तो मैं तो मानता हूं ये राष्ट्रद्रोह राष्ट्रद्रोह का मामला है। स्पेशली ठीक है, अगर आप सड़क पे जा रहे हैं या किसी पार्क में बैठे हैं, आपके अगल बगल कोई नहीं बैठा है, तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। लेकिन जहां पे भी पब्लिक आ जा रही है, थोड़ा बहुत भी आ जा रही है, तो वहां तो आप सेफ रहिए ही रहिए ना। तो पहली कमी तो जनता की है भाई, इतना ये आउटबस्ट क्यों हुआ ऑल ऑफ सडन? ये पिछले 2-3 महीने में देखिए, सबने मास्क लगाने छोड़ दिए, सब ट्रेवल कर रहे हैं आराम से बिना मास्क के, जो वो कर रहे हैं। और ये इस पे मैंने बहुत पहले ही, जब इंडिया में शायद 3-4 पेशेंट थे, मैंने तभी भी डिबेट की थी, क्योंकि वायरोलॉजी आप पढ़िए तो वो पता चलेगा कि ये किस तरीके से म्यूटेट होते हैं और नए नए रूप में आ जाते हैं और कितनी तेजी से ये बस्ट होते हैं, बहुत तेजी से बस्ट हो जाते हैं अंदर अंदर और फैल जाते हैं। तो ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। यहाँ पे किसी के इस्तीफा लेने और देने से, मैं तो बोलता हूँ ममता दीदी भी इस्तीफा देने से ज्यादा बेटर ये है कि एग्रेसिव वे में वो कोरोना के मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसको डिप्लॉय करें अपने जगह। वहां लॉकडाउन जरूरी हो तो लॉकडाउन लगाएं, दवाइयां पहुंचाएं, टीकाकरण का कार्यक्रम, कोई भी मुख्यमंत्री है किसी भी दल का, मैं बोलूंगा कि एग्रेसिव तरीके से कोरोना से बचने के जो भी उपाय हैं आप अपने स्टेट में 24 आवर इमरजेंसी बेसिस पे आप उसको करिए। किसी के इस्तीफा लेने देने से वो नहीं होगा। तो वर्ल्ड 360 विद मनु में ये थे हमारे एके मिश्रा जी, जो पैनलिस्ट भी हैं और स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, आपको पता ही है, कंसल्टेंट भी है, पॉलिटिकल कंसल्टेंट भी हैं, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया। जो हमारा सब्जेक्ट वेस्ट बंगाल इलेक्शन पर था, और उसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे थे ये जानने की कि इलेक्शन चुनाव के बाद 2 तारीख को किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत।